नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मान लीजिए कि आप एनआरआई इन्वेस्टर हैं, बाहर काम करते हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एनआरआई को 30% म्यूचुअल फंड में टीडीएस कटता है और वो ऑटोमेटिक कट जाता है। जो भी आप पैसा जब भी निकालेंगे ऑटोमेटिक आपके स्टेटमेंट पे दिखेगा 30% टीडीएस कट के आएगा, लेकिन जो रेसिडेंट इंडियन है उनका पैसा ऑटोमेटिक नहीं कटता है और टैक्स का रेट भी 10% है। मतलब भारत में अगर रहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो उनका पोर्टफोलियो बन जाएगा, मान लीजिए 1 लाख लगाया, 4 लाख हो गया, उसको जब रिडीम करेंगे तो ऑटोमेटिक 10% टैक्स नहीं कटेगा। एक तो कटना 10% ही है, ऑटोमेटिक नहीं कटना है, टैक्स फाइलिंग करेंगे तब कटेगा। जबकि एनआरआई के केस में ऑटोमेटिक टीडीएस आपका 30% कट जाएगा और कट के ही आपको अकाउंट में आएगा। पर ऐसे लोग जो बाहर काम करते थे पर अब इंडिया में आ गए हैं और उन्होंने अपना केवाईसी स्टेटस चेंज नहीं कराया है, उनका एनआरआई था और अभी भी एनआरआई है, तो भी उनका 30% ही टीडीएस कट रहा होगा। तो करना क्या है, सिर्फ केवाईसी का स्टेटस चेंज करना है। आप इंडिया आ गए हैं तो उसको रेसिडेंट इंडियन में कन्वर्ट कर देना स्टेटस को। सिंपल सा छोटा सा कागजी कार्रवाई है, वो अगर कर दिया तो आपका ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, फिर जो वो 30% का टीडीएस कटता है वो आपका फ्यूचर में नहीं कटेगा। दूसरा उपाय ये है कि आप विदेश में ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, लेकिन आपकी वाइफ यहाँ है, तो आप अपने वाइफ के नाम पे अगर इन्वेस्ट करेंगे, उनका केवाईसी रेसिडेंट इंडियन के नाम से होएगा, तो आपके पैसे पे वो 30% टैक्स नहीं लगेगा। तो आप अपने वाइफ के नाम पे अकाउंट ओपन करके उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो 30% का टीडीएस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि 50,000 रुपये पर मंथ आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए किया और 15% का रिटर्न पोर्टफोलियो अगर दिखा रहा है, तो टोटल आप जमा करेंगे 90 लाख रुपए 15 साल में और मेच्योरिटी वैल्यू बनता है आपका 3 करोड़ 38 लाख रुपया। समझाने के दृष्टिकोण से इसको मैं 3 करोड़ रुपया मानता हूँ। जब आपका स्टेटस एनआरआई है तो 3 करोड़ का 30% 90 लाख रुपए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, वो कट के ही आएगा आपको जब भी आप रिडीम करेंगे। दूसरा उपाय ये है कि इस पैसे को आप अपने वाइफ के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे इन्वेस्ट करते रहे, यदि वो तो इंडिया में रहते हैं तो ये 90 लाख रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और यदि आप इंडिया आ ही गए हैं तो भी आप केवाईसी स्टेटस चेंज करा सकते हैं।